नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों, एक हमारे पास एलजी फ्लैटरॉन टीवी आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, जो कि डेड है। तो दोस्तों, आज जो है इसको मैं रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिले सबसे पहले। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीवी को मैं ऑलरेडी खोल लिया हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी किट यदि हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आता है तो किट में सबसे पहले किट का सर्वे करना होता है, जिसमें कि देखना पड़ता है कि कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं, या कोई कंपोनेंट फूला हुआ है, या कोई कंपोनेंट खुला हुआ है, कोई मिस्त्री के पास से दिखा करके लाया हो, और कोई कंपोनेंट वगैरह खोल लिया होगा, या किट छेड़ा हुआ है। तो इस तरह से बहुत कुछ देखना पड़ता है। और सबसे पहले तो किट में जो भी डस्ट रहता है उसको साफ कर लेना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट था तो इसको मैं साफ कर लिया, और किट को मैं बहुत ही बारीकी से देखा, पर मुझे कहीं से कुछ समझ में नहीं आया कि ये किट जो है कहीं से कोई छेड़ा है। यहाँ पे इसका पावर सप्लाई में जो फ्यूज लगता है, फ्यूज वो नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे अंदर में एक जम्फर लगा हुआ था, जो कि जम्फर जो है इसका जला हुआ है। तो अभी जो है यहाँ पे फ्यूज लगाएंगे और फ्यूज लगा करके इसमें लाइन देंगे और देखेंगे कि जो है क्या टीवी जो है चालू होता है कि नहीं। लेकिन फ्यूज लगाने से पहले जो है इसका शॉर्टिंग चेक करना है। अगर बोर्ड में किसी तरह का शॉर्टिंग रहेगा तो फ्यूज आपका दोबारा से जला सकता है, या पावर सप्लाई में और भी कंपोनेंट खराब हो सकता है। तो सबसे पहले सीरीज बल्ब से हमें चेक कर लेंगे इसका शॉर्टिंग को, कि सीरीज बल्ब से जो बल्ब हमारा फुल लाइट में ग्लो होता है या कम लाइट में ग्लो होता है, क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फ्यूज मैं लगा देता हूँ। इसमें फ्यूज नहीं लगा हुआ था, जम्फर लगा हुआ था। तो अभी मैं इसका फ्यूज को मैं लगा दिया हूँ, देख सकते। तो फ्यूज लगाने के बाद में यहाँ ये जो दो पिन देख रहे हैं, यहाँ पे एसी 220 वोल्ट इन होता है, तो सीरीज बल्ब से यहाँ पे लाइन देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सीरीज बल्ब का कनेक्शन है, और देखिए इसमें हम लाइन दे रहे हैं सीरीज बल्ब से, तो बल्ब हमारा फुल लाइट में ग्लो हो रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है एक पीएफ है, ये पीएफ जो जल रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये पीएफ जो फट गया है लाइन देने पर, यानी कि ये पीएफ जो है हमारा शॉर्ट है। आप देखे होंगे, हो सकता है दोबारा मैं लाइन दूँ तो बल्ब जो है जले जाना चले। देखिए पीएफ जो है फट चुका है, देख सकते हैं, और बल्ब जो है ग्लो होना बंद हो गया। देखिए इसका मतलब यह है कि ये पीएफ का ही जो है प्रॉब्लम होगा, ये पीएफ जो है शॉर्ट होगा, और इसमें लाइन दिए सीरीज बल्ब से तो ये पीएफ जो है अलग हो गया है फट करके। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो पीएफ फट जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पीएफ जो बहुत ज़्यादा फटा हुआ था, इसीलिए जो है इसका कंटिन्यूटी जो है अलग हो गया। तो अभी भी जो है इसका पीएफ चेंज करके जो है इसमें सीरीज बल्ब से लाइन दे करके देखेंगे। तो दोस्तों, ये पीएफ देखिए पूरा जो है जल करके किस तरह हो गया है, तो इसका नंबर नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 681 के 2 KV में जो है ये पीएफ का नंबर होता है। यहाँ पे ये पीएफ जो लगा हुआ है ग्राउंड और जो एसटीआर के जो सप्लाई पिन होता है उसमें लगा हुआ है। तो दूसरा किट से मैं देख करके निकाला हूँ। तो चलिए ये पीएफ को मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ये वाला पीएफ है जो कि मैं लगाया हूँ। तो पीएफ लगाने के बाद में दोबारा से इसका जो एसी 220 वोल्ट इन होता है वो वाला पिन पे जो है मैं बल्ब का सीरीज लगा रहा हूँ। तो देखिए बल्ब हमारा ग्लो होके बंद हो गया। तो आई थिंक कि जो शॉर्टिंग था इसका वो सॉल्व हो गया होगा, और इसका जो पावर इंडिकेटर है वो भी ग्लो होकर के जो है बंद हुआ है। तो अभी जो है मैं किट को फिट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसमें लाइन दे करके चेक करूँगा।
तो दोस्तों इसका पीएफ बदलने से इसमें जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था वो हट गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास अगर शॉर्टिंग प्रॉब्लम आता है तो उसमें भी ये पीएफ खराब हो सकता है, हो सकता है कोई दूसरा कंपोनेंट भी खराब हो सकता है, और ये पीएफ बदलने से हो सकता है कि शॉर्टिंग का प्रॉब्लम नहीं ठीक हो आपके पास जो किट आया हुआ है उसमें। तो अगर इस तरह का शॉर्टिंग प्रॉब्लम आता है आपके पास, बार बार फ्यूज जलाता है, तो उसमें क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले तो ये एसटीआर को चेक करना है, सेकंड में कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है ये डायोड को चेक करना, हो सकता है कि आपका किट में जो है लगा हुआ जो होगा वो अलग अलग जो चार डायोड लगा होता है पावर सप्लाई में वो डायोड लगा हो सकता है। इसमें तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए चारों डायोड जो है एक ही में लगा हुआ है, ये वाला डायोड, तो चार डायोड का काम ये अकेले करता है, तो ये डायोड को चेक करना है, ये पीएफ चेक करना है, ये एसटीआर को चेक करना है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है पावर सप्लाई में ये सब कंपोनेंट शॉर्ट होने से फ्यूज जो है बार बार जो है जला देता है। तो इसका शॉर्टिंग का प्रॉब्लम तो हट गया है लेकिन किट हमारा जो है अभी ओके नहीं हुआ है। मैं झूठ मूठ में आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि टीवी हमारा हो गया है चालू, तो ये शॉर्टिंग प्रॉब्लम था, अभी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ये एलईडी जो है जल रहा है और स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इस किट को रिपेयर करके दिखाऊंगा, और ऐसे भी स्टैंड बाय प्रॉब्लम का और भी वीडियो हमारे चैनल पे है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। फिर भी जो है इस किट को मैं रिपेयरिंग करूंगा, ये जो प्रॉब्लम है स्टैंड बाय का और रिपेयर करके मैं अपलोड करूंगा। वीडियो में मुझे बताना था कि शॉर्टिंग प्रॉब्लम जो होता है वो कहाँ से होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।